नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज फिर मैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस पे बात करती हूं। रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा एक और शहर है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, खारकीव। रूस की सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो इस समय सबसे भयानक वाले बैटल ग्राउंड में तब्दील हुआ हुआ है। 24 फरवरी को हुए इस युद्ध के बाद ये शहर वर्दीधारी सैनिकों, टैंकों और वारप्लेन से टकरा रहा है। यूक्रेनी नागरिकों के लिए खारकीव कीवियों का शहर है। ये जगह अपने उद्योग के साथ कला और वैज्ञानिक खोज के लिए भी जाना जाता है और शहर की आबादी लगभग 15 लाख है। रूसी सेना ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन यूक्रेन ने दोबारा इसे अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। वहाँ के जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ से कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 5 दिनों में आधिकारिक रिकॉर्ड में खारकीव में कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि प्लेग्राउंड और अपार्टमेंट्स बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। खारकीव रूसी भाषा में बोलने वाले नागरिकों की बोलता है। राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम बताई जा रही रूसी सेना अब भी खारकीव को छोड़ना नहीं चाहती। रूस ने ऐसा समझा था कि खारकीव से उसे कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शहर में अधिकतर आबादी रूसी बोलने वालों की है। कई रूसियों के परिवार वाले खारकीव में रहते हैं या सीमा पार से व्यवसाय करते हैं। क्रेमलिन यानी के रूस के राष्ट्रपति का भवन, उसे ये लगा कि शहर मास्को के प्रति ज़्यादा सहानुभूति दिखाएगा। हालांकि पिछले 4 दिनों से खारकीव के लोगों ने भी रूस के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। हमले की शुरुआत में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों का खारकीव के बाहरी इलाकों में रोकने का एक बड़ा काम किया था, उन्हें वहां रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर 26 फरवरी की रात और 28 फरवरी की सुबह रूस ने भारी गोलाबारी की रॉकेट सिस्टम के जरिए, शहर के उत्तरी पूर्वी इलाकों को निशाना बनाया और रूसी सेना की गाड़ियां शहर में घुस जाती हैं। लेकिन घंटों की लड़ाई के बाद दोपहर तक शहर दोबारा यूक्रेन के कब्जे में आ जाता है। 8 साल पहले जब प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को यूरोपीय झुकाव के चलते सत्ता से हटाया था तो वे राजधानी कीव से सबसे पहले खारकीव पहुंच गए थे। वे रूस की तरफ जा रहे थे। बाद में 2014 में रूसी समर्थित अलगवादियों ने यूक्रेन के दोनतस्तक और लुहानसक क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। उसी वक्त एक ग्रुप ने खारकीव सिटी हॉल पर कब्जा कर उसे खारकीव पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया था। यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से हटने के 1 साल बाद यानी कि 2015 में एक रैली के दौरान खारकीव में एक बड़ा धमाका हुआ था, बम धमाका हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए थे और यूक्रेन के अधिकारियों ने तब ये कहा था रैली में हमले के लिए रूस जिम्मेदार था। और आज खारकीव के लोग यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। तो दोस्तों, इस कंटेंट पे आपकी क्या राय है मेरे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए। फिलहाल इतना ही, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।